हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज़ 9 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो टेंटेटिव आंसर की है वो अपलोड कर दी गई है, और ये कब से कब तक अपलोड रहेगी, और इसके अंदर जो आप क्वेश्चन के जो गलत क्वेश्चन होता है उस पर जो चैलेंज है वो राइज कर सकते हैं, तो कितनी फ़ीस लगेगी, तो इस वीडियो में हम सभी पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है जो आज की डेट में यानी कि 31 मार्च को अपलोड किया गया है, अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि द कमीशन हैड कंडक्टेड फेज़ 9 एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस कैटेगरी। इसके अंदर लिखा हुआ है कि सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएट लेवल अबव लेवल ऑन 2 फरवरी से 10 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम हुए थे, और जो बचे हुए एग्ज़ाम थे वो 14 मार्च से 16 मार्च को कंडक्ट किए गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के अंदर जो इलेक्शन थे इस वजह से इनके जो एग्ज़ाम थे वो डिले कर दिए गए थे। तो अब हम देख सकते हैं लास्ट के पैरा के अंदर, इस पैरा के अंदर इन्होंने दिखाया गया है रिप्रेजेंटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंटेटिव आंसर की इफ़ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि सबमिट की जाएगी वो 31 मार्च से 5 अप्रैल तक आपको 6 बजे तक दिखाई देगी। और इसके ऊपर जो आप क्वेश्चन के ऊपर चैलेंज राइज करेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, तो उसकी फ़ीस जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। और नीचे दिया गया है कि कैंडिडेट मे टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्स शीट एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द अबव स्पेसिफिकेशन टाइम लिमिट। यानी कि इन्होंने कहा है कि अपने कैंडिडेट अपने जो शीट्स है रेस्पॉन्स शीट है उसका जो है प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्योंकि टाइम के बाद जो इन्होंने टाइम दिया है इस टाइम के बाद आपकी आंसर की जो है वो अपलोड नहीं, आपकी आंसर की जो है वो डाउनलोड नहीं होगी, और फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से सवाल आपके सही थे और कौन से आंसर की के जो फाइनल आंसर की आएगी उसके अंदर चेंज हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कुछ ही देर में जो है लिंक भी आपका एक्टिव हो जाएगा और आप उसमें देख सकेंगे कि आपके जो रेस्पॉन्स शीट है उसके अंदर कितने सवाल ठीक हो रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा। थैंक यू।